प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, पीएम मोदी ने अटल जी को किया शस्त्र नमन। मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने कहा कि चीन में हमें खतरे हैं। गोंडा में पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिक उत्सव, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। देश में कोरोना ने फिर से दी दस्तक, गोंडा जिले में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। बांदा में स्वर्ण जयंती का शुभारंभ, दीप जलाकर स्वर्ण जयंती मनाई गई। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर भाजपा देश भर में कार्यक्रम कर रही है। आपको बता दें कि अटल जी की समाधि पर भी लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भाजपा इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर अटल जी को नमन किया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अटल जी की जयंती पर उन्हें शस्त्र नमन। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है, उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वहीं भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। वहां अखिलेश ने कहा कि चीन से हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, बल्कि अपनी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। उसके साथ ही आपके बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। चीन से हमें दो तरह के खतरे हैं, एक सीमा पर खतरा है, दूसरा बाजार पर कब्जा कर ले रहा है। इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश ने कई मुद्दों पर चर्चा की। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है जी। अगर आप पे, आपके ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से, जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी। खबर गोंडा से है, जहां जिले के पंतनगर के पास फुलवारी पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिले के मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, अपर स्वास्थ्य निदेशक देवी पाटन मंडल और डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं नर्सरी से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। नाटकों के माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास किया गया। इसके उपलक्ष्य में हमारे प्री नर्सरी से क्लास 9 तक के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा बहुत सहयोग किया और हमारे टीचर्स ने भी हमारे बच्चों के साथ बहुत मेहनत करके हमारे बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए की प्रस्तुति के लिए तैयार किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे CDO साहब श्री गौरव कुमार जी एवं AD साहब डॉक्टर अनिल मिश्रा जी। गोंडा में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। आपको बता दें कि जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन तीनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं सभी मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर रख रहा है। कोविड को लेकर 30 दिसंबर को मंडल के सभी CMO की AD हेल्थ की अगुवाई में मीटिंग होगी। औरैया में प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है। एयरवक्टरा के गांव सूरजपुर में दबंगों ने चारागाह की जमीन पर कब्जा किया था, जिसमें प्राइम टीवी ने प्रमुखता से खबर चलाई। आपको बता दें कुछ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 सदस्य टीम गठित की, जिसमें 4 लेखपाल और 1 कानूनगो की टीम ने मौके पर जाकर नापतोल करके कई बीघा जमीन को JCB के जरिए मुक्त कराया।
द्वारा टीम गठित, लेखपालों की टीम गठित की गई और पुलिस बल का सहयोग लेकर घाटा संख्या 388 रकवा 1.2 से 14 हज़ार का जो सीमांकन किया गया और जितनी रकवा में अतिरिक्त रकवा में ग्रामीणों ने जो जोत रखा था उसको खाली कराया गया। लगभग कितने बीघा है? 1.2 से 14। खबर संबल के थाना हयात नगर क्षेत्र से है, जहां जमीन की पूरी पैमाइश कराने को लेकर ग्राम प्रधान पति पर 50,000 की रिश्वत मांगने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये रिश्वत पुलिस और राजस्व विभाग के नाम पर मांगी जा रही थी। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी व कप्तान से शिकायत की, वहीं जिला अधिकारी ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज ही ले आइए, आज ले आइए, बैंक से निकाल रहा हूँ पैसा दे। हाँ निकाल ले अपने, और कहा कहते हैं, मैंने कह दी इनसे, बोले कि ठीक है काम है जाए तो हम पे आ जाएंगे, और ना हो भाव बोले हो गो 100% बोले मैं दूंगा करके। ठीक है, वो 6 मीटर को बता रहा है जे, है तो 8 मीटर को गुनिया धर के देख लेती, 6 बता रहा है तो 6 छोड़ेंगे भी, दोनों लंका है वो। चलो मिले जाए, बड़ा ही पौन बीघा जमीन, मगर एक बात कर ली है, लिखित में चाहिए जो माना है वो ना, फिर बाद में बोले तो ही ना आता है। हाँ लिखित में देनी पड़ेगी ना, ऐसे ऐसे करो। लिखित में देंगे, लिखित में चाहना देंगे। हाँ तो सही है, हाँ वही बात कर ले चुपचाप। अरे तो वे बार बार मैं फोन करना है, आ रहा हूँ वहाँ पर आया, और ज्यादा बात करे तो लेखल जैसे कह रही, मैंने उनसे भी नौकर है, तुम लेकर धर लो, और कोई बात ना जब काम है जा मुझे दे दियो। ठीक है, मगर है जाना चाहिए काम तो है, जाओ नौकर है जाओ। बता दें पुलिस और राजस्व विभाग के नाम पर रिश्वत मांगी गई है, ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। रिश्वत मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसे आपने सुना। बता दें प्राइम टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्राम प्रधान पति पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरठ में गंगानगर थाना क्षेत्र के पास नगर निगम कार्यालय के राजस्व निरीक्षक हाउस टैक्स लगाने के लिए 5,000 की रिश्वत मांग रहा था। डिफेंस कॉलोनी के निवासी ने इसकी सूचना एंटी करप्शन विभाग को दी और रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक नवल सिंह राघव को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि नवल राघव को नगर निगम जोन ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार पहले भी हाउस टैक्स के लिए लोगों से अवैध वसूली के आरोप इन पर लगते रहे हैं। फिलहाल रिश्वतखोरी के आरोप में कार्रवाई जारी है। दादी के नाम एक प्लॉट है जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माणाधीन प्लॉट पर गृह कर की 81,000 की राशि का निर्धारण के संबंध में ये इनके द्वारा मुलाकात की गई थी। राजस्व निरीक्षक हैं श्री नवल कुमार। तो नवल सिंह जी से मुलाकात हुई तो नवल सिंह जी ने ये कहा था कि हम इसकी राशि को जो आप पे टैक्स बना है इसको कम कर देंगे, लेकिन आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस संबंध में इनके प्रतिनिधि से 5,000 रुपये लेते हुए मिस्टर नवल सिंह जो कि राजस्व निरीक्षक। बांदा जनपद के बबेरू नगर में उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष गुप्ता की अगुवाई में स्वर्ण जयंती बबेरू के मुख्य चौराहे के पास अद्भुत शिव मंदिर प्रांगण में मनाया गया। व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता, नगर के उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता समेत युवा अध्यक्ष शिवा सोनी ने दीप जलाकर स्वर्ण जयंती मनाई। बता दें कि उद्योग व्यापार मंडल संगठन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती का शुभारम्भ किया गया है। अपने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का मना रहे हैं। कहाँ पे मनाया जा रहा है और कितने लोग सम्मिलित हैं इसमें? मेन चौराहा पे है, लगभग 100 लोग सम्मिलित है व्यापार। ये स्वर्ण जयंती क्यों मना रहा है ये बताइए। 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, 50 साल पूरा हो गया अपने जो संगठन का, उस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।
पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, जो कि 24 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2023 तक मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने दीप जलाकर आज से इस वर्ष की शुरुआत की है। कहां पर मनाया जा रहा है आपके द्वारा कार्यक्रम? श्री मंदिर में चौराहा बबेरू पर। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।